I'm Dr. Diksha Singh, and you can find me on Instagram. My name is Dr. Diksha Singh. Here I'm a specialist, Dr. Diksha Singh, Common All Wings. And I'm having my Facebook page also. My name, here I'm a specialist, Dr. Diksha Singh. I'm on Twitter also. My name is Dr. Diksha Singh. On LinkedIn also, you can find me by Dr. Diksha Singh, KT. So friends, we have to do more campaigns like a menstrual health awareness, menstrual hygiene awareness, and periods awareness. और ये तब पॉसिबल है जब हम सब वेमेंस मिल के जो कि स्टेबल है कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं अपने फील्ड में वो सब सामने आए, चाहे वो एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाउसवाइफ हो, वट एवर दे आर, आइदर दे आर स्टूडेंट, बट वी वॉन्ट मोर एंड मोर वेमेंस इन आवर कॉम्पेन. सो जस्ट वी हैव टू बी जॉइन आवर हैंड टूगेदर एंड स्टूड फॉर अ लेडी, बिकॉज वट एवर वी डू टूडे वी फुलफिल आवर चाइल्ड next generation. So please just subscribe to my channel and share this video as much as possible. Thank you so much, and again thank you so much for watching it and share it and subscribe. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking? Why am I looking at you? You're a picture in a frame. We have to say it's not a taboo, and we have to break this myth. The period is something which makes us impure. मैं अपवित्र नहीं हूँ मेरे पीरियड्स आ जाने से. मैं उतनी ही पवित्र हूँ जितनी मैं हमेशा रहती हूँ. तो पीरियड्स एक बहुत ही ब्लिसफुल थिंग है. जैसे कि कामाख्या देवी मंदिर में जो देवी है वो भी मेंस्ट्रुएट करती है. हर एक फीमेल एक देवी है और हर देवी मेंस्ट्रुएट करती है. तो इट्स नॉट हाउ कम अ पीरियड इज एन इम्प्रॉपर या इम्प्योर थिंग. सो आई एम अ वुमन हु इज हैप्पी विद अ पीरियड. व्हाई एम आई लुकिंग एट यू? You're a picture in a frame. I make believe. Hey everyone, I'm Dr. Diksha Singh here, the organic therapist from Kanpur and the owner and founder of Harmonal Wings and Perfect in Maternity Care. So friends, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे एक सोशल टैबू पे, जैसे कि हम कहते हैं पीरियड्स. सो जो पीरियड्स जो होते हैं बेसिकली वो एक टैबू नहीं है. उसे हमें बहुत ओपनली अपनी बच्चियों को, अपनी फ्रेंड्स को और अपने पेशेंट्स को बताना चाहिए कि पीरियड्स एक सोशल टैबू नहीं है. और अब हम जब ये बात कर रहे हैं तो हम इसे पीरियड्स ही कहेंगे. अब मैं ये बताती हूँ मैंने ये अवेयरनेस करने का क्यों सोचा. अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे पास मेरे एक पेशेंट आए और उसके साथ उनकी एक डॉक्टर भी थी. तो द पेशेंट स्टार्टेड, उन्होंने एक्सरसाइज करना चालू किया. देन मैंने उनकी डॉक्टर को बोला कि ओके बेटा यू कैन ज्वाइन अस. तो उसने बोला कि नो डॉक्टर आई एम डाउन. तो मैंने पूछा व्हाट इज डाउन, एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इज डाउन. तो उसने बोला कि शी इज ऑन हर मेंस्ट्रुएशन डेज. तो मैंने बोला यू आर नॉट डाउन बेटा, यू आर ऑन योर फ्रूटफुल डेज. दीज आर द हैप्पी डेज फॉर एनी वुमेन टू हैव हर पीरियड्स. यू मस्ट से आई एम डॉक्टर दीक्षा सिंह, आई ब्लीड 28 डेज एवरी मंथ, आई ब्लीड 28 डेज एवरी मंथ, आई हैव माई पीरियड्स एंड आई एम हैप्पी विद माई पीरियड्स एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट. बिकॉज द सोशल टैबू कैन बी ब्रेक बाई अस. अ वुमेन हु इज मेंस्ट्रुएटिंग कैन ब्रेक द टैबू. एज आई एम अ वुमेन हु मेंस्ट्रुएट 28 डेज अ वीक, 28 डेज अ मंथ. सो आई नो समथिंग अबाउट द मेंस्ट्रुएशन. सो द चाइल्ड गॉट अवेयर, बट देन आई गॉट द क्वेश्चन, मेरे दिमाग में आया कि कैसे हम बाकी सब फीमेल्स या बच्चियों को हम कैसे अवेयर करेंगे. तो मैंने फिर इस वीडियो और इस कैंपेन के बारे में सोचा कि क्यों ना हम एक कुछ ऐसे साइट्स पे काम किया जाए, कुछ वीडियोज बनाए जाए, कुछ लेक्चर्स ऐसे किए जाए जिसमें हम बच्चों को बताएं कि यू आर एट दिस एज यू विल गॉट योर मेंस्ट्रुएशन. आपको पीरियड्स होगा, आपकी जो यूट्रस जो आपका है उसमें जो एक थिन लाइन है जो लास्ट लाइन एंडोमेट्रियम, इफ यू डोंट गेट प्रेग्नेंट तो फिर वो लाइन ब्रेक होगी और इस साइकिल को हम लोग बोलेंगे पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन. और ये हर महीने आपको 28 दिन बाद आना ही चाहिए. और अगर वो अप डाउन होगा थोड़ा बहुत तो ठीक है,
और अगर वो इरेगुलर है तो फिर वो डायरेक्टली अपनी मम्मा से, अपने डॉक्टर से या ओबीजीएनिक जो भी है उनसे, जो रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड है उनसे वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है बेटा, आप ये कोई टैबू नहीं है। जब मैं मेरे टाइम में जब छोटी थी एंड आई वॉज इन क्लास 7, तो मुझे याद है आज भी जब टीवी पे एक स्टेफरी का एड आता था तो उसमें कुछ वुमेन दिखाई जाती थी जो कि ऐसे बालों चेक करती थी, ठीक है, और वो सफेद पैंट पहन के दौड़ती थी घोड़े में। तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि ये एड क्या है, और जब भी वो एड आता था तो मुझे याद है कि माय मम्मा यूज टू कॉल मी कि बेटा जाओ पानी ले आओ। तो वो ऐसा क्यों करती थी उन्हें, जबकि मैं अपनी भी, मोस्ट ऑफ लोगों के साथ होता है कि हमें अपनी बींग मदर या बींग एल्डर सिस्टर या बींग फ्रेंड हमें खुल के बात करनी चाहिए। बींग टू बी मॉम, आप अपने बच्चे के लिए रेडी रहो, वो लड़का हो या लड़की, हमें अपने भाइयों से भी इस बारे में बात करनी है, अपने ब्रदर से, अपने फादर से, कि जो भी है इट्स अ नेचुरल थिंग जस्ट लाइक ब्रीदिंग, जो कि आपको होगा ही, हर मंथ होना है। और ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि बींग वुमेन की यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, बिकॉज थ्रू दिस ओनली यू आर जनरेटिंग अ न्यू लाइफ। तो हाउ कम दिस इज अ बैड थिंग, इससे एक फीमेल इम्प्योर कैसे हो सकती है? तो वी हैव टू ब्रेक दिस टैबू। पीरियड्स इज नॉट अ टैबू एंड आई एम नॉट डाउन, आई एम नॉट अशीम्ड ऑफ इट, आई एम ऑन माई पीरियड एंड आई एम अ हैप्पी वुमेन विद अ हैप्पी पीरियड्स। सो इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको ऑल इंडिया से जितनी मेरी कुछ बहुत अच्छी मेरी विंग फ्रेंड्स हैं, जो कि अच्छी डॉक्टर्स हैं, अच्छी हाउसवाइफ्स हैं और अच्छी विमेन्स हैं, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, वो बताएंगी कि वाई दे आर बींग हैप्पी विथ देयर पीरियड्स। सो इफ अ वीमेन इज अ प्राइम मिनिस्टर ही इज ऑल्सो मेंस्ट्रुएटिंग, अगर वीमेन इज इन अ विलेज ही इज ऑल्सो मेंस्ट्रुएटिंग। तो ये एक मेंस्ट्रुएशन, एक पीरियड की एक ऐसी चीज है जो वीमेन को वीमेन से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो इफ आई एम गेटिंग 28 डेज मेंस्ट्रुएशन आफ्टर 28 डेज देन आपको भी हो रहा है, तो इसमें अशेम होने का जैसा कुछ भी नहीं है। कल को इफ आई गॉट अ डॉटर या इफ आई गॉट अ नीज देन आई विल लेट हर, लेट द चाइल्ड वी नो कि ओके बेटा आई एम योर आंट एंड आई ऑल्सो मेंस्ट्रुएट, आई गॉट माय मेंस्ट्रुएशन एट अर्ली एज एंड यू विल ऑल्सो गॉट इट, एंड मैं उसे बताऊंगी कि यू कैन, यू आर हैविंग अ नंबर ऑफ थिंग्स टू यूज ड्यूरिंग द पीरियड्स, लाइक पहला आप सैनिटरी नैपकिन यूज कर सकते हो पैड्स, क्योंकि कई वेराइटीज में अवेलेबल है, लाइनर्स यूज कर सकते हो, जो आपके पैंटी लाइनर्स आते हैं, कई सारे अंडर गारमेंट्स आते हैं क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के लिए होते हैं, होममेड या कॉटन पैड्स भी होते हैं क्योंकि रियूजेबल होते हैं आफ्टर वॉश, और मेंस्ट्रुअल कप्स के भी कई साइज आते हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एंड उसके अलावा हम टेम्पल्स भी यूज करते हैं, बट दे आर नॉट सो फ्रूटफुल, सो डोंट, आई विल नॉट चूज टू देम। आई एम यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप एंड आई एम हैप्पी विद इट, बिकॉज मेंस्ट्रुअल कप के साथ मैं एक कॉन्फिडेंट और एक हैप्पी वुमन हूँ। सो गाइज, जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज वी नीड अवेयरनेस। एंड इसके बाद जब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो होगा हमारा सेक्स एजुकेशन पे, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेक्स एजुकेशन की तो कहीं ना कहीं पीरियड्स आ ही जाता है। तो पहले ही जरूरत है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी जितनी भी वुमेन्स हैं उनको हम अवेयर करें रिगार्डिंग पीरियड्स, देन जब वो पीरियड्स के बारे में कुछ जानेंगे तब हम उनसे सेक्स के बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब व्हेन आई वाज इन क्लास 9 एंड देयर कम अ चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन, देन माय टीचर, माय बायोलॉजी टीचर डॉक्टर, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, बट शी इज फ्रॉम, शी इज अ बंगाली एंड शी स्टार्टेड द चैप्टर एंड मोस्ट ऑफ द बॉयज फ्रॉम द क्लास बैक बेंचर दे स्टार्टिंग कोटिंग। तो आई वाज लाइक, आई वाज टू क्यूरियस बिकॉज आई एम अ टॉम बॉय, आई डोंट नो अबाउट इट कि what I'm going to read, but I'm so excited ki I'm going to read about our body, what is inside us and how we going to reproduce our baby. So that when a child asks a question, a boy asks from the behind, then what is sex, can we have a sex at the age of 14? So then I still remember my teacher said straight, in a straightforward way, yes you can. My favorite thing, my sanitary napkins, and
and use it. Since the day I got my menstruation, so and I'm not ashamed to have it in my purse. तो मैं आज आपको एक चीज कहना चाहूंगी फिगर्स, आप घर में अपने एक बैग लीजिए, उसमें कुछ सैनिटरी नैपकिन, कुछ खाने की चीजें, कुछ ड्राई नट्स एंड कुछ पैसे, वो बैग रख के आप एक साइड में रख दीजिए और एक नैपकिन उसमें डाल दीजिए। जब भी आप किसी वेमेन को देखें कि जो रोड साइड मांगते हैं या जो नहीं एबल है, डिसेबल है, आप प्लीज उनको वो बैग दे दीजिए। अगर हम लोग इस तरह बैग्स देंगे तो कितनी ही वेमेन्स हैं उनका कितनी हेल्प होगी। ओके, सो वी आर यूजिंग इट एंड इज नोवेयर टू बी सीन। Hey everyone, I am Dr. Shikha. I am a physiotherapist. I am a woman who got my periods every 28 days of month. I am not ashamed of it called periods. I will not call I am down on my periods. I am a happy woman with a happy periods every month. Thank you. Hello friends, myself Dr. Nancy Sahu. I am a dentist. I am a woman who got her periods every 28 days of month. And I'm not ashamed of it calling periods and will not call it I'm down on my periods. I'm a happy woman with happy periods every month. Thank you. Hey, I'm Neetu Singh Patel. I'm a physiotherapist and I'm a woman also who gets her period every 28 days of month. And I'm not ashamed of it calling periods. Will not call. And I am down on my periods. I'm a happy woman with happy periods. Every month. Thank you. Hello guys, I am Anjali Vanshi, my final year student. I am a woman who cuts her periods in every 28 days of month. I will never ever get ashamed on saying it I am on my periods, or I will never say that I am down on my periods. I'm a happy woman with my happy periods. And guys, especially I would just want to say that that you should use a menstrual cup or just a pad for to maintain your hygiene and live a hygienic life. Thank you. મારું નામ હેલી શાહ છે. હું ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છું અને મને મારું પીરિયડ્સ રેગ્યુલર આવે છે અને મને કોઈ શરમ નથી આવતી આ વાત કહેવામાં. હું ખુશ છું, હેપી છું મારા પીરિયડ્સથી. થેન્ક યુ. હે, આઈ એમ અરુણા વર્મા. I am a government teacher and I am a woman who got her periods every 20 days of a month, and I am not ashamed of calling it periods, and I will not call it I am down on my periods. I am a happy woman with happy periods every month. Thank you. Hi, I am Archana Yadav and I am a bachelor student. I am a woman who got her periods on every 20 days of month. I am not ashamed of calling it periods and will not call if I am down on my periods. I am a happy woman with happy periods in every month. Thank you. Hi, I am Dr. Dhara Shah, physical therapist working with WOW IPRE, that is International Institute of Pelvic Floor Research, Rehab and Education, as chief clinical instructor. And I am a woman who get periods every 28 days, and I'm not ashamed of calling them periods, and I don't feel down because of my periods. I am happy with my periods. I'm a happy woman. Thank you. Hello guys, I'm Neha. I'm a research scholar and I got my periods every 20 days of month. I'm a happy woman with happy periods. Thank you. Thank you so much.